स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। द स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विथ मेड्यूला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे ब्रेन के मेड्यूला से जुड़ा हुआ रहता है और वहां से शुरू होता है। यह हमारा ब्रेन का मेड्यूला है, वहीं से शुरू होता है, उसी से जुड़ा हुआ रहता है स्पाइनल कॉर्ड, और नीचे की तरफ वो रहता है। इट इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। यह एक तरह का बोनी केज है, बोन का पिंजड़ा है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मीनिंग्स। और ठीक ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी मीनिंग्स से सराउंडेड रहता है। एज मेनी एज 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और देखा गया है कि इस स्पाइनल कॉर्ड से लगभग 31 जोड़ा, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, 31 जोड़ा आपको नर्व्स निकलता है इस स्पाइनल कॉर्ड से। और द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड विथ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। और यह स्पाइनल कॉर्ड ही है जो कि स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल किए रहता है। इसीलिए कहा जाता है भाई स्पाइनल को अपना बचा के रखो और उस पर मारो मत ब्रेन की तरह। ब्रेन को भी बचाओ और स्पाइनल कॉर्ड को भी बचाओ, दोनों को बचा कर रखो, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है बॉडी का। द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन आर एज फॉलोज। नंबर वन, द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इंपल्सेज फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नंबर टू, द ब्रेन रिस्पॉन्स टू द इंपल्सेज ब्रॉट बाय सेंसरी ऑर्गन्स बाय sending its own instructions through motor nerves to the muscles and glands, causing them to function accordingly. Third, the brain correlates the various stimuli from different sense organs and produces the most appropriate intelligent response. Fourth, the brain coordinates the body activities so that the mechanisms and chemical reactions of the body work together efficiently. And fifth, the brain stores information so that behavior can be modified according to the past experience. This function makes the brain of the organ of thought and intelligence. In sare functions of brain ki charcha to hum log kar chuke hain, isliye mujhe yahan par describe karne ki koi zarurat nahi hai. इंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, जैसे पैनियल ग्लैंड लेडीज में भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस लेडीज में भी मौजूद है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स लेडीज में भी मौजूद है, थाइमस लेडीज में भी मौजूद है, पैनक्रियाज लेडीज में भी मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड्स लेडीज में भी मौजूद है। तो अब हम लोग देखते हैं इस इंडोक्राइन सिस्टम को। हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टांसेज विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सबस्टांसेज को हार्मोन्स कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट्स करते हैं और उनके ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं। सेक्रेटेड इन वेरियस स्मॉल अमाउंट्स, और जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होता है, बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है हमारे बॉडी में जिसे कि कहते हैं क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड। इसी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही हार्मोन सेक्रेट होते हैं। हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, द हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। हार्मोन्स स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होते हैं बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होते हैं। द हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि ये हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पोर्ड होते हैं कहाँ, ब्लड में, एंड कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरे बॉडी में ये कैरिड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर मेड, सो दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स के जो इफेक्ट होते हैं वो अलग अलग साइट्स पर अलग अलग तरह के होते हैं। हार्मोन्स का इफेक्ट डिफरेंट साइट्स पर डिफरेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स का सेकंड नेम क्या है? केमिकल मैसेंजर्स। द हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स, या स्पेसिफिक टिश्यूज या ऑर्गन्स पर एक्ट करता है, कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स, जिसे कि कहते हैं टारगेट ऑर्गन्स। द हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ, और हार्मोन्स जो है बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और इसकी ग्रोथ को। ग्लैंड्स, ए ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सेक्रेट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ए ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। ग्लैंड क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस है या सब्सटेंसेस सेक्रेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, और ग्लैंड जो बना हुआ होता है वह ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज का बना हुआ होता है। सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बने हुए होते हैं क्या, हमारे को ग्लैंड्स। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकंड है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और हार्मोन्स जो सेक्रेट होता है वो किसके द्वारा होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। ए ग्लैंड विच सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑन टू एन एपिथेलियल सरफेस बाय द वे ऑफ डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। कोई भी ग्लैंड जो कि सेक्रेट कर रहा है अपना प्रोडक्ट को कहाँ, एपिथेलियल सरफेस पर, ठीक है, ऑन एपिथेलियल सरफेस पर यदि सेक्रेट करे प्रोडक्ट को बाय द वे ऑफ डक्ट और ट्यूब, किसी भी डक्ट या ट्यूब के द्वारा, उस एक ही कहते हैं हम लोग क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेक्रेट करते हैं कहाँ, ऑन एपिथेलियल सरफेस ऑफ ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन्स के एपिथेलियल सरफेस पर थ्रू अ डक्ट और ट्यूब, तो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल है इसके जैसे स्वीट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड, क्यूरमिनस ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, सीवेसियस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट्स द सैलिवा इनटू अ डक्ट कॉल्ड सैलिवरी डक्ट। सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सैलिवा सेक्रेट करते हैं कहाँ, सैलिवरी डक्ट में। देयरफॉर सैलिवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसलिए सैलिवरी ग्लैंड क्या है हमारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होता है जिसके पास की डक्ट्स होता है, जिसके पास डक्ट्स या ट्यूब्स होता है जहां की वो सेक्रेट करता है उसके एपिथेलियल सरफेस पर। इंडोक्राइन ग्लैंड सेकंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। ए ग्लैंड विच डज नॉट हैव ए डक्ट, वह ग्लैंड जिसके पास कोई डक्ट नहीं हो, एंड सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेक्रेट करता है कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में, इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो वैसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डजंट हैव ए डक्ट, डक्ट नहीं होता है, और इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली सेक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
दस इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सेकंड नेम है डक्टलेस ग्लैंड्स। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स अ केमिकल सबस्टांस कॉल्ड हार्मोन, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो सबस्टांस सेक्रेट करता है वह केमिकल सबस्टांस होता है, उसे क्या एक टर्म दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, हार्मोन। ए स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू विच मेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन ग्लैंड, या इस तरह से भी कह सकते हैं हम लोग कि वह स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू का बना हुआ है, जो कि हार्मोन्स बनाता है, विच मेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन ग्लैंड। द इंडोक्राइन ग्लैंड्स डोंट हैव डक्ट्स टू सेक्रेट देयर हार्मोन्स, और इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होता है, कोई ट्यूब्स नहीं होता है जिसके द्वारा कि ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं, सो दे ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए इसे हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। Some of the glands in our body have both exocrine and endocrine functions. हमारे बॉडी में कुछ तो ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि दोनों का कार्य करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी कार्य करते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी कार्य करते हैं। वो तीन ग्लैंड्स हैं हमारे, कौन कौन, एक है पैनक्रियाज, सेकंड है हमारा टेस्टिस और थर्ड है ओवरी। ये तीन ग्लैंड हैं जो कि आपको एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन की तरह कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रेट द हार्मोन इंसुलिन, पैनक्रियाज इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है और हार्मोन सेक्रेट करती है इंसुलिन, और इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है एंड सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस भी सेक्रेट करती है, यानी दोनों तरह का कार्य किया, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य किया और इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट किया डायरेक्ट इनटू ब्लड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम किया और सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स, जिसमें कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट, कहाँ, पैनक्रियाटिक डक्ट में, दैट लीड्स टू द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। एंड द टेस्टिस आर द ग्लैंड्स विच एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टिस जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल में होते हैं और वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड दे एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज स्पर्म्स मेल सेक्स सेल्स इनटू द डक्ट, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी कार्य करते हैं और रिलीज करते हैं क्या, स्पर्म या मेल सेल्स इनटू द डक्ट। इस तरह से टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं, ह्यूमन में मेल में पाए जाते हैं, और वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, और इस तरह से वो इंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करते हैं, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हुए स्पर्म सेक्रेट करते हैं इनटू डक्ट। ठीक उसी तरह से सिमिलरली ओवरीज आर ग्लैंड्स, ओवरीज जो ग्लैंड्स है फीमेल में पाई जाती है, फीमेल में रहती है ओवरीज और मेल में क्या रहते हैं, टेस्टिस। तो फीमेल जो ओवरीज में होती है विच एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह कार्य करती है एंड सेक्रेट द हार्मोन ओस्ट्रोजेन, और हार्मोन सेक्रेट करती है कौन सा, ओस्ट्रोजेन, जिसको कि हम लोग रीड करते हैं क्या, इस्ट्रोजेन, जिसे पढ़ेंगे क्या, इस्ट्रोजेन पढ़ते हैं, लिखाता है ओस्ट्रोजेन लेकिन पढ़ते हैं क्या, इस्ट्रोजेन। एंड अनदर हार्मोन सेक्रेट करती है प्रोजिस्ट्रोन, और दूसरा हार्मोन सेक्रेट करती है प्रोजिस्ट्रोन, और ये दोनों हार्मोन कहाँ सेक्रेट होगा, तो ब्लड में, तो यह इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य किया। एंड दे एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ओवरीज काम करती है एंड रिलीज ओवा और एग्स, और ओवा और एग्स रिलीज करती है फीमेल सेक्स सेल्स इनटू द डक्ट, और फीमेल सेल्स जो है आपका ओवा और एग्स ये डायरेक्टली सेक्रेट करती है कहाँ, डक्ट में, और कार्य करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह।
इंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेज वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन सिस्टम। अब जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो सेक्रेट करते हैं, उस पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं क्या, इंडोक्राइन सिस्टम। ए ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेज वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन सिस्टम। द इंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का ही दूसरा टर्म है हार्मोनल सिस्टम। इन एडिशन टू नर्वस सिस्टम, द इंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडीज। ठीक नर्वस सिस्टम की तरह ही हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम भी पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करती है। द इंडोक्राइन सिस्टम इन आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्लैंड्स और टिश्यूज विच मेक स्टोर एंड रिलीज केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे बॉडी में है वो कंसिस्ट किए हुए नंबर ऑफ ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स, जिससे कि हम लोग जो कि टिश्यूज या कहिए टिश्यूज, जो कि इसका कार्य है स्टोर करना, रिलीज करना केमिकल हार्मोन्स, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स, द इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर, ह्यूमन बॉडीज में एक मेल में 9 प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और ठीक उसी तरह से फीमेल में भी होते हैं। टेस्टिस जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, और ओवरी जो है वो टेस्टिस के जगह पर फीमेल में पाए जाते हैं। फीमेल में क्या पाया जाता है, ओवरीज, और मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं। और उसके बाद ग्लैंड जो पाए जाते हैं जो दोनों में होते हैं वो होते हैं पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये 8 ग्लैंड जो हैं वो कॉमन है दोनों में, और ये अलग अलग टेस्टिस पाए जाते हैं मेल में और ओवरीज पाए जाते हैं फीमेल में। और आप सभी का प्लेस भी देख सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड कहाँ है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज ओनली इन फीमेल्स एंड टेस्टिस ओनली इन मेल्स। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वह ब्रेन में मौजूद होता है। देखिए कहां पर होता है, देख लीजिए। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेज रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और दूसरा हार्मोन्स जिसे कहते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये रिलीज करते हैं। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सेक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको कंट्रोल करना, या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं। कौन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को। दैट इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। द हाइपोथैलेमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू इट। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, का मेन कार्य है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी दूसरे रीजन ऑफ ब्रेन से, ब्रेन के किसी भी रीजन से और ब्लड वेसल से पासिंग थ्रू इट, जो कि इसके पास से जो पास करते हैं ब्लड वेसल्स वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और दूसरा ब्रेन के किसी भी रीजन से ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हाइपो
थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप इस पिक्चर में देखिए अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशंस कि कहां पर है। देखिए ठीक हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोटरी की तरह रहती है इसीलिए इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के पिछले हिस्से में होती है और हाइपोथैलेमस के नीचे। द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करती है। वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सेक्रेट होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के गुरु जी हैं कौन, हाइपोथैलेमस, इनके मास्टर हैं हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल किए हुए रहते हैं कि आपको कितना सेक्रेट करना है कितना नहीं सेक्रेट करना है, वो सारा कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है और ये सेक्रेट करने का काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, और जिसे कि हम लोग कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ग्रोथ हार्मोन ही है जो कि आपको ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ह्यूमन बॉडी में बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ए पर्सन हैविंग अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ डॉर्फ, कोई भी व्यक्ति जिसके वो यदि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बहुत कम हुआ हो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो वो व्यक्ति बौना हो जाता है, उसका हाइट बहुत कम रहता है और वो क्या होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, डॉर्फ कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन्स बिकम वेरी टॉल, और वहीं दूसरे जगह पर यदि देखें यदि किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो तो वो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा और उस वेरी वेरी टॉल एंड दैट पर्सन जस्ट लाइक अ जेंट। थर्ड है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी, हमारे विंड पाइप जो होते हैं उस विंड पाइप से अटैच्ड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, और थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है उसे कहते हैं क्या, थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, थायरोक्सिन, विच कंटेन्स आयोडीन, जो कि आयोडीन कंटेन्स किए रहता है। द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म के, यानी कि सही ढंग से पाचन हो और कार्य करे, तो वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन, हमारा थायराइड हार्मोन का सेक्रेटेड हार्मोन थायरोक्सिन। इसी का काम है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स को कंट्रोल करना। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, और आयोडीन जरूरी है थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट होने के लिए बनने के लिए बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। Therefore, a deficiency of iodine in the diet can cause a deficiency of thyroxine hormone in the body. यदि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारे बॉडी में सेकेंड चीज थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाएगा और थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाएगी। And the deficiency of iodine in the diet of a person produce less thyroxine hormone and causes a disease known as goiter. और
आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन भी हमारे बॉडी में कम सेक्रेट होगा और जिसके चलते एक बॉडी में रोग होता है, जिस रोग का नाम क्या है, ग्वाइटर, जिसे क्या कहते हैं, ग्वाइटर, जिसमें गला फूल जाता है। द मेन सिम्टम ऑफ ग्वाइटर इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन अपीयर्स टू बी सॉलन। इसका मेन सिम्टम है ग्वाइटर का पहचान मेन है क्या कि हमारा नेक जो है वो सॉलन कर जाता है, फूल जाता है ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के इनलार्जमेंट के चलते, बड़ा हो जाने के चलते, लोकेटेड इन द नेक, जो कि नेक में होता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन कंपाउंड्स। आयोडाइज्ड सॉल्ट में एप्रोप्रिएट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन कंपाउंड्स होता है, सच एज पोटेशियम आयोडाइड। एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट कैन प्रोवाइड ऑल द आयोडीन नीडेड बाय थायरॉयड ग्लैंड टू मेक सफिशियंट थायरोक्सिन फॉर आवर बॉडी। सिंस देयर विल बी नो डिफिशेंसी ऑफ थायरोक्सिन इन द बॉडी, ग्वाइटर कांट डेवलप। इसीलिए आजकल क्या है कि जितने भी सॉल्ट मिलते हैं वो सॉल्ट कैसे होते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं। तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट में जो आयोडीन होते हैं वो फॉर्मेट में होते हैं पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, और इस आयोडीन की कमी को रोकता है कौन, हमारा ये आयोडाइज्ड सॉल्ट, और हमें ग्वाइटर होने से बचाता है। फोर्थ है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। देयर आर फोर स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विच आर इम्बेडेड इन द थायरॉयड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं ये थायरॉयड ग्लैंड में ही होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे कपड़े जो होते हैं, शर्ट होते हैं, शर्ट में बटन होते हैं ना, बटन, ठीक उसी तरह से थायरॉयड ग्लैंड में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं चार बटन की तरह दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में टू एंड राइट साइड में टू रहते हैं, और जिसे कि हम लोग कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन, और पैराथायरॉयड ग्लैंड जिस हार्मोन को सेक्रेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, पैराथार्मोन। द फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोएट लेवल्स इन द ब्लड। ये पैराथार्मोन का कार्य क्या है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं पैराथार्मोन नामक, तो ये पैराथार्मोन हार्मोन जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फेट लेवल को, ब्लड में कितना रहेगा उस लेवल्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो ये पैराथार्मोन हार्मोन्स आपका ब्लड का कैल्शियम और फास्फेट लेवल्स को मेंटेन करता है। फिफ्थ है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ठीक गर्दन के नीचे से, जैसे ही नेक जहाँ से कंप्लीट हुआ ठीक वहीं पर से, और चेस्ट के ठीक ऊपर आपको इस नेक और चेस्ट के मध्य में, यानी नेक जहाँ से खत्म हुआ वहीं पर आप देखिएगा कि आपको रहेगा थाइमस ग्लैंड। ये देखिए ये थाइमस ग्लैंड है और ठीक चेस्ट के ऊपर ये हमारा थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड सेक्रेट्स थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होते हैं वो आपको सेक्रेट क्या करते हैं, थाइमस सेक्रेट करते हैं, और ठीक थाइमस ग्लैंड के ऊपर आप देखिए ये यहाँ पर हमारा थायरॉयड ग्लैंड है, और इसी थायरॉयड ग्लैंड में ही पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, और जैसे ही ये नेक खत्म हो रहा है आप देखिए ये नेक खत्म हुआ और शोल्डर के नीचे, ठीक देखिए शोल्डर के नीचे हमारे को ये रहा थाइमस ग्लैंड, और जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसे क्या कहते हैं, थाइमस हार्मोन, विच प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, थाइमस। थाइमस जो हमारे को थाइमस ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है वह हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, यानी इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कंट्रोलिंग पॉइंट कौन है, आपका थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन यंग होते हैं उसमें ये थाइमस ग्लैंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। लेकिन या प्यूबर्टी कहिए या कहिए प्यूबर्टी का दूसरा टर्म है सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद इसका जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है। और जब बच्चा छोटा होता है उस समय चाइल्ड में थाइमस ग्लैंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो आफ्टर प्यूबर्टी इट्स साइज श्रिंक्स। सिक्स है पैनक्रियाज, द पैनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टोमेक इन द बॉडी। हमारे बॉडी में आप देखिएगा ठीक स्टोमेक के नीचे आपको ये पैनक्रियाज ग्लैंड रहेगा, ये पैनक्रियाज है और ये हमारा स्टोमेक है, ये आप देख रहे हैं ये स्टोमेक है और इसी स्टोमेक के नीचे पैनक्रियाज ग्लैंड यहाँ पर सटे हुए रहते हैं स्टोमेक से ही। पैनक्रियाज सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, पैनक्रियाज ही है जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेट करता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है? पैनक्रियाज। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये जो पैनक्रियाज है जो कि स्टोमेक के ठीक नीचे स्टोमेक के साथ सटा रहता है, जो सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, और इसी इंसुलिन हार्मोन का मेन वर्क है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को, जिसे का दूसरा टर्म है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसे मेंटेन करना। डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज, और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से बॉडी में कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है वो किसके कारण होता है? आपको पैनक्रियाटिक हार्मोन्स के कम सेक्रेट होने को, पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट हो रहा है उसके कम सेक्रेशन के चलते। डायबिटीज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। डायबिटीज रोग यदि किसी को हो जाता है वो पहचान में कैसे आता है? उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसके यूरिन में भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। इंसुलिन हार्मोन ही है जो कि पैनक्रियाज के द्वारा जो सेक्रेट हो रहा है उसी के द्वारा शुगर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। इफ ड्यू टू सम रीजन पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड, देन द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज। किसी भी कारण से यदि हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का सेक्रेशन कम कर दे तो क्या होगा? हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। द हाई शुगर लेवल इन द ब्लड कैन कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन। द पर्सन हैविंग हाई शुगर लेवल इन ब्लड और डायबिटीज इज कॉल्ड अ डायबिटिक। जिस पर्सन में शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं कि दिस पर्सन इज डायबिटिक, यह पर्सन क्या है? डायबिटिक है, यानी इसे डायबिटीज रोग हो गया है। डायबिटिक पर्सन्स आर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट, और इसीलिए डायबिटिक पर्सन्स को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप शुगर अब कम खाइए। क्यों? क्योंकि आपका हार्मोन जो है इंसुलिन वो पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेशन कम हो रहा है, इसलिए शुगर का मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में गड़बड़ा गया है। कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंट्रोलिंग डाइट, रिड्यूसिंग वेट, डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग मेडिसिन। जनरली तो कॉमन डायबिटीज जो होते हैं वो आपके डाइट को कंट्रोल करने से, वेट घटाने से, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिसिन लेने से ही ठीक हो जाते हैं। द पर्सन हैविंग सेवियर डायबिटीज, लेकिन यदि डायबिटीज बढ़ जाए, सेवियर हो जाए, तो आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, तो वैसे व्यक्ति को
इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। एड्रिनल ग्लैंड, देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ टू किडनीज। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में नंबर इनकी टू होती है और ये ठीक किडनी के ऊपर होते हैं, जो देख रहे हैं आप येलो वाला पोर्शन ठीक किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। द एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? एड्रेनलिन हार्मोन, ए डी आर ई एन ए एल आई एन ई, एड्रेनलिन हार्मोन। द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। और हार्ट रेट हमारा, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, ये तीनों का कंट्रोलिंग पॉइंट है एड्रिनल ग्लैंड का सेक्रेटेड हार्मोन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन ए पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। हमेशा हर पल ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर होता है और इसकी संख्या टू होती है, बोथ किडनी के ऊपर दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में होते हैं और ये ऑलवेज हमेशा आपको हार्मोन सेक्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति फ्राइटेंड हो, डरा हुआ हो या एक्साइटेड हो, उस समय इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में यह एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। व्हेन एड्रेनलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन। जब भी हमारे बॉडी में एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि बॉडी को प्रिपेयर करता है कि आप एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। इट स्पीड्स अप हार्ट बीट, यह हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। एंड ब्रीथिंग राइजेज, ब्रीथिंग रेट्स को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। एंड अलाउज मोर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टू गो इनटू द ब्लड, और जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज जाना शुरू हो जाता है। टू गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली टू फाइट और फ्लाइट रन अवे, जिससे कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि हम लोग को जो जिस चीज़ से फ्राइटेंड है, डर लग रहा है, उससे हम फाइट कर सकें। और अगर एक्साइटेड है तो हम लोग किसी भी चीज़ से, डर ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ से फ्लाइट करके यानी रन अवे कर सकें, फ्लाइट मीन्स रन अवे, भाग भी सकें। एड्रिनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, और ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी एड्रिनल ग्लैंड को ही कहा जाता है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में यही ग्लैंड जो है हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे कि व्यक्ति तैयार हो जाता है उस इमरजेंसी से फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए। एट है हमारा टेस्टिज ग्लैंड। टेस्टिज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स मेन। टेस्टिज ग्लैंड सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिज मेक मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिज जो है मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए टेस्टिज है हमारा मेल में होता है मौजूद। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मॉस्टैक, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल्स। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है जो कि एक मेल के फीचर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा वॉइस, एक मेल का वॉइस डीपर होता है देन फीमेल, वो मॉस्टैक, मूछ या बियर्ड, दाढ़ी होना एंड मोर बॉडी हेयर ऑन मेल बॉडी, ये सब जो होते हैं वो टेस्टिज के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं टेस्टोस्टेरोन उसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ऑल दी चेंजेज कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन आर एसोसिएटेड विथ मेल प्यूबर्टी।
और ये सब कुछ शुरू हो जाता है मेल प्यूबर्टी के बाद। विच द बॉयज अटेन एट एन एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, और एक मेल की प्यूबर्टी जो है वो 13 से 14 साल के बाद शुरू होती है। एक बच्चा जो है वो मेल की तरफ ग्रो करना शुरू करता है कब? 13 से 14 साल के बाद से। और उसी के बाद से आप देखिएगा कि उसकी आवाज़ जो है थोड़ी डीपर हो जाएगी, मूछें आने लगेंगी, दाढ़ी भी आने लगती है, और वो फीमेल से उसकी तुलना में ज़्यादा उसके शरीर में बाल भी होने लगते हैं, यानी कि उसके बॉडी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेशन शुरू हो चुका है, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 13 to 14 ईयर्स। द टेस्टिज ऑल्सो मेक द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, और टेस्टिज ही है जो कि मेल गैमेट्स बनाता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म्स। मेल गैमेट्स का ही नाम है स्पर्म्स। 9 है ओवरीज, ओवरीज ग्लैंड। ओवरीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स वुमेन। ओवरीज ग्लैंड जो है वो सिर्फ वुमेन में मौजूद होता है, लड़कियों में होता है। ये देखिए ओवरीज ग्लैंड है, इनकी भी संख्या 2 होती है, ठीक मेल की तरह। मेल में टेस्टिस 2 होते हैं और फीमेल में भी ओवरी क्या होते हैं? 2 होते हैं। ओवरीज मेक 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ओवरीज जो है 2 फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स ओवरीज के द्वारा सेक्रेट होता है। द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स। ये एस्ट्रोजन जो है हार्मोन, यही है जो कि कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल फीचर्स को, सच एज फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मैमरी ग्लैंड ब्रिस्ट्स। जैसे कि फेमिनाइन फीचर्स होता है, फेमिनाइन वॉइस, पतला आवाज, सॉफ्ट स्किन एंड मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना। All the changes caused by estrogen are associated with female puberty, which the girls attain at an age of 10 to 12 years. और ये जितना भी चीज़ जो होता है फीमेल प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, फीमेल प्यूबर्टी आपको 10 टू 12 ईयर्स में आ जाता है, यानी एक 10 से 12 साल के बाद एक बच्ची क्या होती है वो फीमेल की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती है, और उसमें हार्मोन है जो 10 से 12 ईयर्स के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेशन शुरू हो जाता है और उसमें फीमेल प्यूबर्टी हो जाती है। और मेल में क्या है? 13 to 14 ईयर्स है प्यूबर्टी का, यानी फीमेल जो है वो जल्दी प्यूबर्टी आ जाता है फीमेल में। द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूटेरस चेंजेज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है इसका काम है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूटेरस के को कंट्रोल करना। इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी हेल्प कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। द ओवरीज आल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स, और ओवरीज जो है वो ऑल्सो फीमेल गैमेट्स बनाता है, जैसे कि टेस्टिज मेल गैमेट्स बनाता है, उसी तरह से ओवरीज का काम है फीमेल गैमेट्स बनाना, जिसे कि कहते हैं हम लोग क्या? ओवा या एग्स। फीमेल गैमेट्स का 2 नाम है, एक तो ओवा और दूसरा एग्स, और मेल गैमेट्स का क्या नाम है? स्पर्म। फीडबैक मैकेनिज्म। द एक्सेस और डिलीवरी ऑफ हार्मोन्स हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। यदि हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में भी हार्मोन का सेक्रेशन हो तो वो भी खराब है, और कम मात्रा में सेक्रेशन हो वो भी खराब है। फॉर एग्जाम्पल द डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिजल्ट इन अ डायबिटीज कॉल्ड डायबिटीज। यदि कोई आदमी है, पर्सन है, और उसमें इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो तो वह व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है, यानी उसे डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। वेयर एज एक्सेस इन इंसुलिन इन द बॉडी कैन लीड टू कोमा, और यदि इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सेक्रेशन होने लगे तो वो तो और खतरनाक है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है। सो इट इज नेसेसरी दैट द हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाई ग्लैंड्स इन आवर बॉडी इन प्रिसाइज क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द
बॉडी। इसलिए बॉडी अगर नॉर्मल रूप से काम करता रहे, इसलिए जरूरी है कि हार्मोन्स का सेक्रेशन प्रिसाइज क्वांटिटी में हो। दिस मीन्स दैट देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इन बिल्ट इन आवर बॉडी। और हमारे शरीर में हार्मोन का जो टाइमिंग होता है सेक्रेशन का और अमाउंट होता है, वो बॉडी के द्वारा खुद मेंटेन किया जाता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, या इसे ही कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज टू मच, दे आर डिटेक्टेड बाई द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाई प्रोड्यूसिंग एंड सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन इन टू ब्लड। यदि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो वो डिटेक्ट कर लिया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा, और वो ब्लड में क्या करता है कि उस शुगर के लेवल को डिक्रीज कराने के लिए आपको इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स टू ए सर्टेन लेवल, और फिर वह कुछ लेवल तक वह फॉल करता है, तो द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी ऑटोमेटिकली अपने आप घट जाता है। तो ये देख रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म का उदाहरण।